भगवान है मंगल स्वरूप। भगवान का याद होने से मंगल तो आ गया और आपने आप अमंगल हट जाएगा। जैसा अंधेरा है, अंधेरा से तकलीफ हो रहा है, जब रोशनी आ जाता है तब अंधेरा आपसे हट जाता है और अंदर से जितना तकलीफ हुआ था वो भी हटता है। इसी प्रकार भगवान का आविर्भाव से तमाम अमंगल हट जाएगा और मंगल का आविर्भाव होगा। जसंतनति सत्य शुद्धि, सत्य का मतलब चित्त, दिल चित्त शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। सिर्फ भगवान के याद से, भगवान का याद से इतना होता है, स्मरण से दिल साफ हो जाएगा। जसंतनति सत्य शुद्धि, परमात्मा भक्ति और परमात्मा जो भगवान है, श्रेष्ठ आत्मा, मैं तो जीवात्मा हूं, असंख्य जीवात्मा है अनगणित, वही जीवात्माओं को कारण होता है श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। वही परमात्मा में भक्ति, भगवान का कृष्ण पात्रम का स्मृति क्या रहेगी, भक्ति कैसे, भक्ति ज्ञान विज्ञान विराग विज्ञान, ज्ञान विज्ञान और वैराग्य, पराभक्ति शुद्धा भक्ति, ऐसे इमोशनल नहीं, शरीर का मन का कोई भाव ऐसा नहीं, जो आत्मा का नित्य वृत्ति है। परमात्मा में जो भक्ति आत्मा का नित्य वृत्ति है, वही भक्ति पराभक्ति स्वच्छा भक्ति शुद्धा भक्ति नित्य भक्ति से भगवान की स्मृति से मिलती है, भगवान के स्मरण से। इसलिए क्या करना चाहिए, जिससे भगवान की याद हो जाए, जिससे याद हो जाए वो हम लोग के लिए अच्छा है, जो हम लोग भगवान के विषय में भुला देते वो खराब है। शास्त्र ने बहुत कुछ शास्त्र के लिए तरीका बतलाया है, विधि दिया है, साधन के लिए कोई मार्ग बतलाया है, विधि और निषेध बतलाया है। विधि कौन है, जिससे भगवान का याद होता है वही विधि है। निषेध कौन है, जिससे हम लोग भगवान को भूल जाते वही खराब। कभी विष्णु को नहीं भूलना, स्मर्त स्मर्तव्य सर्वं विष्णु विस्मर्तव्य न जाति, सर्वे विधि निषेधा सूर्य चोर गति करा, जितना किसी का विधि और निषेध है वो होता है। क्राइटेरियन क्या है, भगवान की स्मृति जिससे होता है विधि वो करो, कर्तव्य है, और जिससे भगवान का हम लोग भूल जाते मत करो, नहीं करना। शास्त्र बहुत किस्म के साधन बतलाया है, लेकिन ये होता है मुख्य क्राइटेरियन। तंत्र शास्त्र में हजारों किस्म का भक्ति का अंग बतलाया है, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 किस्म का भक्ति, जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद रूप गोस्वामी जी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, वही भक्ति रसामृत सिंधु में 64 किस्म का प्रधान भक्ति का अंग बतलाया है। भागवत में आप लोग तो जानते हैं नौ किस्म का भक्ति, नवदा भक्ति जिसको कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दर्शनं सख महात्म निवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न नवलक्षणा क्रियत भगवती अच्छा तन्मन्य गीत उत्सवम। नौ किस्म की भक्ति आप भागवत में मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु 5 किस्म का भक्ति कहते मुख्य, एक होता है साधु संग, पहला नंबर साधु संग, नाम कीर्तन दूसरा भक्ति, साधु संग नाम कीर्तन, तीसरा भागवत प्रभु, चौथा मथुरावास भगवत धाम में निवास करना, और पंचम होता है शुद्ध का साथ त्रिमूर्ति का सेवा। जितना किसी का साधन है, तमाम साधनों के अंदर में ये 5 होता है मुख्य साधन। बांग्ला पैर जो है मैं कहता हूं यहां पर, किसी का समझ में आएगा कि नहीं, साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मुद्रावास
এবং শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি সেবা সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চাঙ্গ। কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঠে অল্প সঙ্গ। যেটা কি চিন্তা সাধন হয় সাধনকে আন্দোলনে এই পাঠ হতে মুখ্য সাধন। যারা সে ভি এই পাঠ ভক্তিকে এক ভি সাধন হয়ে যায় তা কৃষ্ণ প্রেম হয়ে যায়। এই পাঠও কে অন্দর মে ফের কাছে নাম সংকীর্তন হয় সর্বত্র। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। আভি হম ধ্যান করলে কে বৈঠেঙ্গে। ধ্যান এক কিছু কে সাধন হয় স্মরণ সাধন হয়। এই সত্য যুগ মে ওই ধ্যান যুগ ধর্ম আভি ভি কলি যুগ মে কই কই ধ্যান করতে সাধন করতে। লেকিন আম জনতা কে লিয়ে ধ্যান সাধন अच्छा नहीं है। इसलिए जब ध्यान करने को देखते हो मैं तो देखता हूं और दूसरा की बात छोड़ दीजिए मैं तो बाहर फगवा का ले लिया। लेकिन जब एकांत में बैठ के ध्यान करने को देखता हूं तब सब मेरा दिल किधर चला गया मालूम नहीं बैठा। तो एकदम वही उद्देश्य लेके जो भगवान का ध्यान करूंगा यही मतलब लेके बैठा। एकांत में बैठा कि दुनिया का कोई गड़बड़ नहीं आ जाए सिर्फ दिल भगवान में लगा दिया। जब लगाने के लिए थोड़ा कोशिश किया तब मेरा दिल चला गया और मैं तो भगवान को ध्यान करने के लिए बैठा था कहां चला गया। फिर दिल को खींच के लिया नहीं फिर चला जाता है। इसी प्रकार हालत है इसलिए दिल में दुनिया को घुसा लिया। दिल में अभी क्या है दुनिया एकदम भक्ति है। एक कैमरा है आंख एक किस्म का कैमरा है कान एक किस्म का कैमरा है नासिका एक किस्म का कैमरा है जवान एक किस्म का कैमरा है त्वचा एक किस्म का कैमरा है। यही कैमरा से दुनिया का फोटो ले लिया। फोटो लेके दिल में भक्ति कर दिया। जब ध्यान करने को बैठता हो क्या आता है रोज दुनिया से लेके भर्ती कर दे दिया था। इसलिए दिल बैठता नहीं भगवान में ध्यान संभव नहीं होता। विषय भर्ती है श्रवण। जब श्रवण करने के बैठते हैं तब ध्यान से क्यों बचता। जो साधु का मुख अरविंद से भगवान की कथा होती है वो अगर सबसे साधु होगा वो तो सर्वोच्च में उनका दिल है उनका शब्द में सब सब भाव है। विद्यवती शब्द है हिम्मतदार शब्द है शब्द में ताकत है। जो सत्य साधु है उनका शब्द में सब ताकत है। वही शब्द जब हम दिल दे के सुनेंगे तब दिल में बैठ जाएगा अगर भाव आ जाएगा तो ध्यान से प्रबंध में फायदा होता है। जो दिल जिसका दिल चमक रहा है उससे श्रवण से ज्यादा है। लेकिन श्रवण में ही मैं दिल को दूसरा तरफ रख सकता हूं। ऐसा तो साधु महात्मा लोग बोलते हैं देखो बैठो भगवान का सुनो तुम्हारा कर्तव्य है सुनना। साधु महात्मा का हुकुम महात्मा के हुकुम से आज्ञा से बैठ गया। लेकिन दिल में तो रुचि नहीं है और एक बात सोच रहा हूं बाहर में ऐसा शरीर से पड़ा है सभा में लेकिन दिल चला गया उस तरफ। लेकिन जब भगवान का कीर्तन करेंगे दिल और तरफ जाने के लिए कोई मौका नहीं है। इसलिए जब कीर्तन करेंगे तब वही कीर्तन या वस्तु कान में आ जाएगा श्रवण होगा और श्रवण के साथ साथ स्मरण होगा। कीर्तन श्रवण स्मरण तीनों एक साथ में होता है। अभी हम आप लोगों के पास कीर्तन करने के लिए बैठा है। अभी जितना वक्त कीर्तन करेंगे इतना वक्त दिल हम तो देने ही पड़ेगा भगवान ने। जब और तरफ देंगे तब मेरा भाषण में हज्जा मज्जा हो जाएगा इधर उधर बात हो जाएगा। इसलिए कीर्तन जो होता है हम लोगों के लिए श्रेष्ठ है श्रेष्ठ भाव है। कृतिन भय तो विष्णु रतयांग रतम सही वापरे परिचर्ध्यांग
सरोदरी की चुनाव सप्त युग में ध्यान से जब वस्तु मिलता था, त्रेता में भवन से जब वस्तु मिलता था, द्वापर में उजन से जब वस्तु मिलता था, वो तमाम वस्तु मिल जाएगा कलयुग में हरि कीर्तन से, तो हरिनाम कीर्तन से। कीर्तन का मतलब बोलो जो ओस है, उसको क्या कहते ओस को स्पंदन करती हुई, ऐसे जाप भी होता है मन में जो करते उसको जाप कहते हैं। अब जो ओस को स्पंदन करती हुई, उसको हिलाते हुए जो उच्चारण करते उसको कहते कीर्तन। कीर्तन श्रेष्ठ है और कीर्तन से उच्च कीर्तन और श्रेष्ठ उच्च संकीर्तन। जब उच्च संकीर्तन करते हो तब दिल एकाग्र हो जाता है। ध्यान का मतलब होता है दिल को एकाग्र करना, भगवान में लगाना और तरफ से उठा के भगवान में लगाना, तो ही मतलब हासिल हो जाता है उच्च संकीर्तन में। जब भगवान का विषय में हम लोग उच्च संकीर्तन करते भगवान का नाम जोर से पुकारते हैं, तब भगवान में दिल लग जाता है। एक फायदा है और दूसरा फायदा क्या है, और प्राणी जो भगवत विमुख है उनका काम पर वो भगवान का नाम पहुंच जाते, उनका भी फायदा होता है, अपना भी फायदा दूसरा का भी फायदा। इसलिए उच्च संकीर्तन हम लोग उनका ये मंगल के लिए है। चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया का बहिर्मुख जीव का मंगल करने के लिए अपने भक्तों को लेके जहां पर दिया वहां पर उच्च संकीर्तन किया, उच्च संकीर्तन किया। लेकिन अपना अंतरंग भक्त जो है उनसे राधा गोविंद जी की प्रेम लीला एकांत में आस्वादन किया। लेकिन जो भगवत बहिर्मुख है उन लोगों को उद्धार करने के लिए उच्च संकीर्तन किया। उच्च संकीर्तन का इतना फायदा है, चैतन्य महाप्रभु जो आपसे श्लोक लिखा था, आपके श्लोक चैतन्य महाप्रभु का अपना रचना मिलता है अभी तक, उसमें प्रथम श्लोक है श्वेत दर्पण मार्जनम भव महादावनम कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम तरंग विजयति श्रीकृष्ण संकीर्तनम। श्रीकृष्ण संकीर्तन जय युक्त हो जाए। श्रीकृष्ण का मतलब श्री होता है शोभा शक्ति, कृष्ण का शक्ति कृष्ण का सौंदर्य वो होता है राधिका, राधा कृष्ण राधा गोविंद जी का संकीर्तन जय युक्त हो जाए, जय युक्त हो जाए। इसलिए संकीर्तन से क्या होगा, चित्त दर्पण मार्जित होगा, चित्त में जितना किसी का अवरोध सामना रखना है वो साफ हो जाएगा। नैष्काम ध्यान धारणा का कुछ जरूरत नहीं है। दिल को साफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हारा दिल बहुत गंदा है, ठीक है तुम संकीर्तन करते रहो, और संकीर्तन से दिल साफ हो जाएगा और साधन का कुछ जरूरत नहीं। श्वेत दर्पण मार्जनम भव महादावनि वापनम संसार दावनि बुझ जाएगा निर्वापित होगा। जो तीन किस्म का ताप से हम लोग चल रहा है इस दुनिया का शोक संताप दूर हो जाएगा, बुझ जाएगा। और प्रेस कैरव चंद्रिका वितरणम मंगल शोभा फलाव हो जाएगा। विद्यावधु जीवनम पर विद्या जो मैं भगवान का हूं मैं दुनिया का नहीं हूं, यही जो ज्ञान है आपके ये तो अनुभव भी नहीं है, अभी तो सुनता हूं अनुभव भी नहीं है, अनुभव में आ जाएगा जो मैं इनका हूं, तब तो प्रतिज्ञा साथ भगवान का नाम कर सकेंगे। उसके बाद जब प्रतिज्ञा साथ भगवान का नाम करते रहेंगे आनंदम बुधिवार हरम आनंद के समुद्र वर्ष रहेगा। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम प्रति पद विष्णु में पूर्णामृतास्वादित होगा। एक दफे कृष्ण नाम लिया, दो दफे लिया, तीन दफे लिया, कृष्ण नाम से बाकी हो गया। मेरा याद है ये कलकत्ता में हमारा मठ है, वहां पर राजभैरी आदमी मठ में, तो वहां पर एक सज्जन हर रोज हमारा मठ में दोनों वक्त भगवान का कथा हो गया, कभी कभी तीन वक्त भी होता है। तो ही व्यक्ति हर रोज आते थे भगवान का सुनने के लिए। ऐसा दो तीन महाराज तो आया मठ में, उसका बाप आँख फेर दिया तो देखता नहीं, तो मन में हम लोग सोचते ये सज्जन की सुस्ती नहीं देखता, जिसको हर रोज देखता है नहीं देखते तो चिंता आ जाती है।
एक रोज छह महीना बाद के चाहे आठ महीना बाद एक रोज रास्ता में उनसे मुलाकात हो जाए मेरा। तो मैं उनसे कहा कि आपका दर्शन तो नहीं मिल रहा है, आपका नहीं दर्शन मिल रहा है, इससे हम लोग का दुख है। आपका दर्शन से हम लोग का उत्साह होता, सोता रहने से भक्त का उत्साह होता है, फल सोता रहने से। तो आप किससे हम लोग वंचित करते हैं, हम लोग का क्या अपराध है। तो आपने कहा देखिए आपने कभी आज यह सुना तो एक ही बात है, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। और नई कुछ बात है तो नई बात है तो पहले तक जाऊंगा। तो आप लोग का बात तो हम सुन लिया, सुना हो गया ना। तो हम कभी आपको सुना नहीं हुआ, जब सुना होता और सुनने की इच्छा हो और दम नहीं होता। कृष्ण नाम कृष्ण कथा कभी बाकी नहीं होता है, नित्य नूतन है, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फिजिकल टू अनंत से अनंत लेने से अनंत ही रहते, असीम से असीम लेने से असीम रहते। भगवान भगवान है असीम, भगवान का नाम असीम। उन नाम को उच्चारण कर लिया और खत्म हो गया, फिर नहीं रहेगा ये बात नहीं। एक दफे कृष्ण नाम उच्चारण किया फिर कृष्ण नाम रहेगा। नित्य नूतन युक्त होता प्रतिपदन पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम शरीर मन आत्मा पवित्र स्निग्ध हो जाता है लेकिन विचार कृष्ण संकीर्तन होना चाहिए। कृष्ण कीर्तन से फायदा है लेकिन कृष्ण कीर्तन जो हो जाए जब कृष्ण के लिए कीर्तन हो जाए, जो कीर्तन कृष्ण का तरफ हम लोग ले जाएगा, कृष्ण का नाम पर और कुछ हो जाए उससे कृष्ण कीर्तन नहीं करेगा। जब कृष्ण प्रीति कृष्ण ही उद्दिष्ट नहीं हो जाए और कुछ उद्दिष्ट हो जाए, रुपया पैसा करत का मेरी प्रतिष्ठा, तब कनक के लिए कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कीर्तन या कनक कीर्तन। कामिनी के लिए भज्य वस्तु कृष्ण कीर्तन, वो कृष्ण कीर्तन नहीं है कामिनी कीर्तन। प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण कीर्तन, वो कृष्ण कीर्तन या प्रतिष्ठा कीर्तन, उससे हम लोग को फायदा नहीं होता है। वास्तव में कृष्ण कीर्तन होना चाहिए जिससे हम लोग का दिन कृष्ण में चला जाएगा। इसलिए कही साधु संग हम लोग बहिर्मुख है, दिल में बहुत किस्म का धंधा है, वो धंधा को छोड़ने को नहीं जाते। जब भी भगवान का पास जाते साधु का पास जाते दुनियादारी का धंधा लेके जाते। इसलिए सत्य साधु का संग ने उनके अनुगत्य ने जब हम लोग कृष्ण कीर्तन करेंगे तब कृष्ण के लिए कीर्तन करने के लिए हम लोग के अंदर में जिज्ञासा आ जाएगा। तो ही कृष्ण कीर्तन से रिश्ता होगा, मंगल होगा, हमारा समय होगा।